वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी ने स्नो वाइट की स्टोरीज आज से पहले भी देखी है, और अगर अब तक भी आपने स्नो वाइट की कुछ स्टोरीज नहीं देखी है तो वो आपको मेरे चैनल्स पे मिल जाएंगी। जरूरी नहीं है कि स्नो वाइट हमेशा से ही ब्यूटीफुल रही हो, साथ ही में स्नो वाइट के साथ में और भी कई सारी चीजें हुई थी, जैसे कि वो सात बोनों से मिली थी। हर स्टोरी के अंदर इन सात बोनों ने स्नो वाइट की मदद की थी, लेकिन कैसा हो कि जब स्नो वाइट और इन सात बोनों की कहानियों को कुछ बदल दिया जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी स्नो वाइट की एक और स्टोरी सुनते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक फेरी टेल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंस, क्वीन, ड्रैगन सब थे। इस आइलैंड के सेवियर सात लड़के हुआ करते थे, जिन्हें फियरलेस सेवन यानी कि F7 भी कहा जाता था। जब भी किंगडम के अंदर कोई मुसीबत आती थी तो सभी F7 को याद किया करते थे। आज का दिन भी यही था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जो कि किंगडम में तबाही मचा रहा था। F7 आके उस ड्रैगन से फाइट करते हैं और एक क्वीन को बचा लेते हैं। जब ये वॉरियर्स उस प्रिंसेस को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि प्रिंसेस ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब है कि ये जरूर विच होगी। विच समझने के कारण अब उस पे अटैक कर दिया जाता है, लेकिन असल में वो एक विच नहीं थी बल्कि एक फेरी थी। इसी के कारण वो प्रिंसेस इन सातों वॉरियर को एक श्राप देती है कि ये सातों वॉरियर सात बोनों में बदल जाएंगे, और ये कर्ज तभी टूटेगा जब किंगडम की सबसे सुंदर लड़की इन्हें किस करेगी। कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। एक कैसल के अंदर रेजिना नाम की एक विच को देखते हैं। ये अपने पैलेस की एक मैजिकल ट्री के पास आती है। इसके सामने जो मैजिकल ट्री था उसके ऊपर जब सनलाइट आती है तो उस पे लगे हुए एप्पल मैजिकल सैंडल्स में बदल जाते हैं। रेजिना उन एप्पल्स को यानी कि उन शूज को लेके पहन लेती है, और कुछ सेकंड्स के लिए वो बहुत ही सुंदर प्रिंसेस में बदल जाती है। उन शूज का असर जैसे ही खत्म होता है तो ये विच एक बार फिर से पहले के जैसे दिखाई देने लगती है। इसी के कारण रेजिना को बहुत गुस्सा आता है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये पूरा कैसल यहाँ के प्रिंसेस स्नो वाइट का था, जो अब इस कैसल के अंदर नहीं रहती थी। वो चोरी छुपे अपने ही कैसल के अंदर आती है। स्नो वाइट बहुत ही अच्छी लड़की बताई गई है, काइंड हार्टेड, लेकिन थोड़ी सी चबी। कैसल में आने के बाद वो कुछ ढूंढ रही थी। वो अपने फादर के कमरे में यानी कि किंग के रूम के अंदर जाके उनका कोई सामान ढूंढती है, जहाँ पे उसे अपने फादर की एक बुक मिल जाती है। हमें पता चलता है कि किंग अब इस कैसल में नहीं रहते हैं और स्नो वाइट अपने ही फादर को ढूंढ रही है। स्नो वाइट को अपने फादर की एक बुक मिलती है जिसके अंदर उनकी स्टोरी लिखी हुई थी। हमें पता चलता है कि स्नो वाइट अब 18 ईयर्स की है। किंगडम में बताया जाता है कि यहाँ एक विच आई है जो कि सबके ऊपर जादू कर रही है। जब इस विच को किंग के सामने लाया जाता है तो किंग पनिशमेंट देने की बजाय उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। किंग अब इस विच से शादी भी कर लेते हैं। विच अपने साथ में एक ऐसा ट्री लाई थी जिसके अंदर मिरर लगा था। देखते ही देखते वो मिरर भी अब बड़ा होने लगा था। किंग को समझ में आ गया था कि ये क्वीन और कोई नहीं बल्कि एक विच है, जिससे कि सबको खतरा हो सकता है। इसी के कारण वो स्नो वाइट को कैसल से बाहर बहुत दूर भेज देता है, जहाँ पे वो सेफ रह सके। इस डायरी के लास्ट में ये भी लिखा था कि फ्यूरियस 7 उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ एक वार्निंग लिखी थी कि कुछ भी हो जाए तुम एप्पल्स के ऊपर कभी ट्रस्ट मत करना। हम देखते हैं कि स्नो वाइट अभी भी कैसल में ही थी और अब तक यहाँ सुबह हो चुकी थी। स्नो वाइट के सामने वही मैजिकल ट्री था जिसपे धूप की रोशनी गिरने से एप्पल्स भी आ जाते हैं। रेजिना जब तक आती तब तक स्नो वाइट पेड़ पे लगे हुए एप्पल से बने हुए सैंडल को पहन लेती है। रेजिना स्नो वाइट को पहचान ही नहीं पाती और अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की देख के उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर दे देती है। स्नो वाइट कैसे तैसे करके एक मैजिकल ब्रूम पे बैठ के यहाँ से उड़ के भाग जाती है। रेजिना आप उसी ट्री के पास जाती है जो कि हमेशा से उसे बताता था कि आगे उसे क्या करना है और दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। तब ये मिरर स्नो वाइट की पिक्चर दिखाता है। साथ ही में रेजिना पूछती है कि अभी स्नो वाइट कहाँ होगी। मिरर उस विच को एक राजकुमार के बारे में बताता है जो कि उसकी मदद कर सकता है। अब कहानी उन सात बोनों पे शिफ्ट हो जाती है, जो कि एक समय पे काफी सुंदर नौजवान दिखा करते थे और अब अपनी सूरत से परेशान होके हर समय यही सोचा करते थे कि आखिर ये अपने पहले वाले रूप में कैसे आ सकते हैं। इसी समय उन्हें एक लड़की उड़ती हुई दिखाई देती है जो कि उनके ही घर की तरफ जा रही थी। ये सभी इस लड़की को विच समझ लेते हैं, लेकिन घर आने के बाद इतनी सुंदर लड़की देख के ये सभी शांत हो जाते हैं। अब ये सातों बोने एक साथ में स्नो वाइट को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स करते जाते हैं। अगर स्नो वाइट इनमें से किसी को भी किस कर लेगी तो इन सभी का कर्ज टूट जाएगा। अब जब स्नो वाइट बदल गई थी तो वो खुद को पहली बार मिरर के अंदर देखती है और उसे समझ में आ गया था कि ये खूबसूरती सिर्फ इन शूज के कारण आई है। स्नो वाइट खुद का नाम बताती ही नहीं है कि वो यहाँ की प्रिंसेस है, बल्कि वो बताती है कि उसका नाम रेड शूज है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे F7 को ढूंढने आई हूँ। F7 उसकी जरूर मदद करेंगे उसके फादर को ढूंढने में। मर्लिन अपने सारे दोस्तों को कहता है कि हमें इस लड़की को नहीं बताना है कि हम F7 है, क्योंकि अगर उसे पता चला कि F7 हम सात बोने हैं तो वो हमें कभी पसंद नहीं करेगी। लेकिन साथ ही वो रेड शूज को कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे फादर को ढूंढने में मदद जरूर करेंगे। इसी के साथ सीन यहाँ इस किंगडम के एक प्रिंस पे शिफ्ट होता है, जो कि चाहता था कि उसके बर्थडे पार्टी में सबसे सुंदर प्रिंसेस आए। अब जैसा कि मिरर ने विच की मदद करी थी, इसी के कारण
कारण रेजिना इस प्रिंस के पास पहुंच जाती है स्नो व्हाइट के पिक्चर लेके। वो कहती है कि अगर तुम्हें सबसे सुंदर लड़की से मिलना है तो तुम इस लड़की को ढूंढो, जिससे तुम्हारा और मेरा दोनों का काम हो जाएगा। इसी के साथ में अब प्रिंस को स्नो व्हाइट चाहिए थी, इसी के कारण वो पूरे किंगडम में पोस्टर को सर्कुलेट करवा देता है। रात में स्नो व्हाइट अपने फादर का एक पोस्टर बनाती है ताकि वो अपने फादर को जल्दी ढूंढ सके। इसी समय उसे जंगल से कुछ आवाजें आने लगती है। स्नो व्हाइट जंगल में चली जाती है। मर्लिन और आर्थर भी उसका पीछा करने लगते हैं। जब इन बोनों को कोई भी नहीं देखता था तो ये अपने असली रूप में आ जाया करते थे, और जैसे ही अगर इन्हें कोई देखता था तो ये बोनों में बदल जाया करते थे। जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा वुडन बनी था जो कि स्नो व्हाइट के पीछे पड़ जाता है। मर्लिन यहाँ पे स्नो व्हाइट की जान बचाने के लिए आता है और साथ ही में कहता है कि तुम बिना पीछे मुड़े यहाँ से चली जाना, मैं इस बनी से लड़ लूंगा। लेकिन स्नो व्हाइट को मर्लिन की टेंशन होने लगती है, इसी के कारण वो पलट जाती है। अब जब मर्लिन को किसी ने देख लिया था तो वो वापस एक बोनी में बदल जाता है और उसकी पावर्स कम हो जाती है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे आर्थर पहुंच जाता है जो कि इस बनी के ऊपर चढ़ के उसे फाइट करने लगता है। अब यहाँ पे बाकी के बोने भी पहुंच चुके थे जो कि इस बनी को हरा के अपने साथ ले जाते हैं। सारे बोने मिलके प्लान बनाते हैं कि आखिर वो स्नो व्हाइट के फादर को कैसे ढूंढेंगे। स्नो व्हाइट किंगडम में पहुंच चुकी थी और किंग व्हाइट के मिसिंग होने के पोस्टर सबको दिखाती है और पूछती है कि क्या आपने इन्हें देखा है, और उसी समय इसे पता चलता है कि स्नो व्हाइट के खुद के भी मिसिंग पोस्टर लगे हुए हैं। स्नो व्हाइट को अब गार्ड्स देख चुके थे, इसी के कारण वो उसके पीछे भागने लगते हैं। स्नो व्हाइट खुद की जान बचाने के लिए अपने शूज उतार देती है, इसी के कारण गार्ड्स उसे पहचान ही नहीं पाते। इस समय मर्लिन और आर्थर भी यहाँ पे आए थे। स्नो व्हाइट उन दोनों से ही मदद मांगती है लेकिन ये दोनों उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन मर्लिन वापस आता है जो कि अकेला था। बाकी के गार्ड्स जो कि स्नो व्हाइट को परेशान कर रहे थे वो अपनी पावर से इन गार्ड्स को मार देता है और स्नो व्हाइट को यहाँ से जाने के लिए कहता है। असल के अंदर स्नो व्हाइट अभी खुद के असली रूप में थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा मोटी थी, इसी के कारण मर्लिन उसे पहचान ही नहीं पाता। लेकिन इस बात से स्नो व्हाइट को बड़ी खुशी होती है कि मर्लिन एक सच्चा वॉरियर है, इसी के कारण वो मदद करने के लिए वापस आया था। स्नो व्हाइट एक बार फिर से अपने शूज पहन के बाहर आती है लेकिन गार्ड्स उसे पहचान जाते हैं और उसके पीछे फिर से पड़ जाते हैं। तब तक ये बोने बनी को लेके यहाँ पहुँच गए थे और अपने साथ में स्नो व्हाइट को लेके भाग जाते हैं। गार्ड्स को वही पोस्टर मिल जाता है जिसपे किंग व्हाइट के मिसिंग होने के बारे में लिखा था, लेकिन साथ ही में बोनो के घर का एड्रेस भी लिखा था। इसी के कारण सारे गार्ड्स इन बोनो के घर तक पहुंच जाते हैं। अब तक यहाँ पे वो प्रिंस भी पहुंच गया था जिसे स्नो व्हाइट चाहिए थी। अब यहाँ पे इन सारे बोनो और साथ ही में प्रिंस की फौज के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। इस फाइट के चक्कर में बेचारे बोनो का घर भी टूट जाता है। प्रिंस बोल के चाहता है कि मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। अब तो स्नो व्हाइट भी इन बोनो को पसंद करने लगी थी और सबसे ज्यादा तो वो मर्लिन को पसंद करती थी। मर्लिन और स्नो व्हाइट एक रात काफी सारी बातें करते हैं। तब स्नो व्हाइट मर्लिन से पूछती है कि अगर कोई लड़की ब्यूटीफुल हो तो इसका तुम्हारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तब मर्लिन बताता है कि मैं जैसा दिखता हूँ मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस दिन तुम मुझे मेरे रियल फॉर्म में देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। मर्लिन स्नो व्हाइट को कहता है कि बस आंख बंद करो और जैसा मैं बताता हूँ वैसा इमेजिन करो। लेकिन स्नो व्हाइट बात को काट देती है और कहती है कि तुम जैसे भी हो, तुम एक ग्रीन बोने हो लेकिन मुझे पसंद हो। स्नो व्हाइट खुद के रेड शूज यानी कि मैजिकल शूज के बारे में मर्लिन को बताना चाहती थी, इसी के कारण वो शूज को उतारती है। लेकिन वो शूज उतरने का नाम ही नहीं लेते। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो शूज नहीं उतरते। जब प्रिंस रेजिना के पास वापस लौटता है बिना स्नो व्हाइट को लिए तो रेजिना बहुत ज्यादा भड़क जाती है और प्रिंस को एक पॉइजन एप्पल खाने के लिए देती है। जैसे ही प्रिंस उस पॉइजन एप्पल को खाता है तो वो एक ट्री में बदल जाता है। उसके साथ और भी जितने लोग थे वो सारे के सारे मॉन्स्टर ट्रीज बन जाते हैं। अब स्नो व्हाइट और बाकी सारे बोने मिलके अपने घर को एक बार फिर से ठीक कर देते हैं। मर्लिन स्नो व्हाइट की मदद करने के लिए उसके फादर की काफी सारी कॉपीज बना देता है। अब इनके पास में फ्लाइंग झाड़ू थी और साथ ही में पोस्टर्स को बांटने के लिए इन्होंने प्लेन भी बनाया था। काफी सारे पोस्टर्स को ये लोग किंगडम के अंदर गिरा देते हैं। मर्लिन को लगा था कि स्नो व्हाइट ही अब उसकी जिंदगी है, इसी के कारण वो खुद के रियल फॉर्म के अंदर स्नो व्हाइट के साथ खुद को इमेजिन करता है। अब ये दोनों एक जगह बैठ के आपस में बातें कर रहे थे और साथ ही में खुद के फीलिंग्स को भी शेयर करते हैं। जैसे ही इनका किस होता है तो मर्लिन को लगता है कि वो खुद के रियल फॉर्म में आ गया है, लेकिन अब तक भी मर्लिन बदला नहीं था। इसी समय यहाँ पे प्रिंस पहुँच जाता है जिसके साथ उसकी बाकी आर्मी भी थी। ये सारे ट्री मॉन्स्टर इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। मर्लिन एक बार फिर से स्नो व्हाइट को कहता है कि मेरी तरफ मत देखना और बस यहाँ से दूर भागो। मर्लिन अब खुद के कार्ड से इन सारे ट्रीज को हराता जाता है और साथ ही में बड़े से ब्रिज को तोड़ के इन सारे मॉन्स्टर्स को नीचे गिरा देता है। स्नो व्हाइट जैसे ही पलटती है तो प्रिंस एक बार फिर से खुद के पुराने रूप में आ जाता है, यानी कि वो बोने में बदल जाता है। इसी समय वुडन मॉन्स्टर आता है जो कि मर्लिन को अपने साथ लेके पानी में कूद जाता है। स्नो व्हाइट खुद की जान के बिना परवाह किए पानी में कूद जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मर्लिन के ऊपर कुछ बहुत बड़ी चीज गिरी हुई है। वो इस पत्थर को उठाने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। इस समय उसे पावर की जरूरत थी, इसी के कारण वो खुद के मैजिकल शूज को उतार देती है और खुद के रियल फॉर्म में आने के बाद मर्लिन की जान बचाती है। जब ये दोनों ऊपर आते हैं तो विच रेजिना ने जो खुद के गार्ड्स भेजे थे जो कि छोटे छोटे से मंकी थे,
वो स्नो वाइट को देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि ये तो प्रिंसेस है। जो मिरर रेजिना के पास था वो भी विच को बता देता है कि ये रियल प्रिंसेस है। इस बात से रेजिना बहुत गुस्सा होती है कि उसके रेड शूज और किसी ने नहीं बल्कि प्रिंसेस स्नो वाइट ने चुराए हैं, और अब वो खुद जाके स्नो वाइट से अपने शूज लेके आने वाली थी। स्नो वाइट अब जब खुद की असली फॉर्म में आ चुकी थी तो वो मर्लिन को सब कुछ बताती है। मर्लिन को ये सारी बातें बहुत हर्ट करती है। वो एक बार के लिए तो सोचता है कि वो स्नो वाइट को यहाँ से छोड़ के चला जाए। जब स्नो वाइट सो जाती है तो मर्लिन जंगल की तरफ जाता है, लेकिन साथ ही में वो खुद से बातें भी करता जाता है। उसे समझ में आता है कि स्नो वाइट कैसे उसके इस राजकुमार वाले चेहरे को नहीं प्यार करती, बल्कि वो जैसे हरा बोना है उसे ही प्यार करती है। स्नो वाइट ने हमेशा से ही इन बोनों के इनर सोल को देखा है, इसलिए वो इनके इनर ब्यूटी से प्यार करती है। वो स्नो वाइट के साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को याद करता है। अब स्नो वाइट खुद के रेड शूज पहन के यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मर्लिन अब वापस नहीं लौटेगा। तभी उसे रास्ते में मर्लिन दिखाई देता है, जो कि उसे एक एप्पल देता है खाने के लिए। स्नो वाइट ऑलमोस्ट वो एप्पल खाने ही वाली थी कि तब तक यहाँ पे असली मर्लिन पहुँच जाता है। पता चलता है कि वो मर्लिन और कोई नहीं बल्कि विच रेजिना है, जो कि खुद के गार्ड्स के साथ यहाँ पहुँची थी। वो स्नो वाइट को लेके यहाँ से चली जाती है। मर्लिन स्नो वाइट को बचाने के लिए पीछे पीछे कैसल तक आ जाता है। साथ ही में उन छोटे गार्ड्स को कहता है कि ये बात जाके बाकी बोनों को इन्फॉर्म कर दो। बनी इस बाकी बोनों को इन्फॉर्म कर देते हैं और अब ये सब अपने अपने हथियार लेके कैसल के लिए निकल जाते हैं। कैसल के अंदर रेजिना स्नो वाइट को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है एप्पल खाने के लिए, और अगर स्नो वाइट वो एप्पल नहीं खाएगी तो वो मर्लिन को जान से मार देगी। स्नो वाइट को ना चाहते हुए भी वो एप्पल खाना पड़ता है, और पॉइजन एप्पल के खाते ही स्नो वाइट एक ट्री में बदल जाती है। जिसके बाद अब मिरर मर्लिन को बताता है कि आज से 3 दिन के बाद स्नो वाइट जिस पेड़ के अंदर बदली है उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी आएगी तो उससे निकले हुए एप्पल्स रेड शूज में बदल जाएंगे, जिसके बाद में स्नो वाइट भी मर जाएगी। मर्लिन बहुत मुश्किल से अपनी पावर्स का यूज करके उस ट्री से आजाद हो जाता है। इतने ही देर के अंदर यहाँ पे पूरी की पूरी टीम पहुँच जाती है। ये सब मर्लिन को तो बचाते ही है, साथ ही में उस मिरर को भी तोड़ देते हैं। मर्लिन अब रेजिना पे अटैक करने के लिए जाता है, इसी के कारण वो एक बहुत बड़े क्लिफ से नीचे जंप कर जाता है। मर्लिन के पास अपने बहुत सारे कार्ड्स थे जो कि उसके साथ नीचे गिर रहे थे। एक बहुत बड़े ब्लास्ट के कारण रेजिना मर जाती है। मर्लिन भी बुरी तरीके से इंजर्ड था। सबको लगता है कि मर्लिन जिंदा नहीं बचा होगा। अब जब विच मर गई थी तो उसका सारा मैजिक भी खत्म हो गया था। जो वुडन बनी था कि वो तो व्हाइट किंग है। स्नो व्हाइट अपने फादर को बाहर देख के बहुत खुश होती है। इन सबको पता चलता है कि मर्लिन यहाँ से नीचे गिर के मर गया है, लेकिन उसी समय मर्लिन को ऊपर लाया जाता है। स्नो व्हाइट उसे गले लगा के जोर जोर से रोने लगती है और अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे किस कर देती है। इसी समय मर्लिन उठ जाता है और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। मर्लिन स्नो व्हाइट से माफी मांगता है, जैसे कि उसने पहले बिहेव किया था। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे बाकी के 6 बोने अब अलग अलग दिखने वाली लड़कियों से भी प्यार करने लगे थे। वो सिर्फ सुंदर लड़कियों के पीछे नहीं भाग रहे थे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को स्नो व्हाइट की ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।